26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि विभाग द्वारा लोगों को अपने देश के संविधान की जानकारी देने के उद्देश्य से एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। उसके बाद विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में दहेज के हत्या पर आधारित नाटक का मंचन किया गया, जिसमें विधि विभाग के छात्रों ने अपनी प्रतिभा की बखूबी प्रस्तुति की, जिसकी मौजूद लोगों ने काफी सराहना की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधि विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा, तो विधि विद्यालय है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी दी जाती है और उसकी नाम वालों की तख्तियां जला डालो, जुर्म करने वालों की वर्दियां जला डालो और ऐ अपने घर में बहुए जलाने वाले, पहले अपने घर के आंगन में अपने खुद के बेटे जला डालो। जिससे गांव के अन्य लोग भी वहां पे इकट्ठा हो गए, इन्होंने अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा किया, अनुजा के साथ खींचतान की और ये भी कहा यदि तुम मेरे साथ नहीं चलती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्रूरता की श्रेणी में आता है, अतः महोदय इस धारा के अंतर्गत भी अभियोजित किए जाने का दरख्वास्त करता हूँ। संरक्षण किए जाए किए गए कार्य के अंतर्गत परिवार के अन्य लोग भी दहेज की मांग और प्रताड़ना में शामिल है। अभिलेख पर लेने के पश्चात आप लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304(b)(498)(a) संबंधी धारा 34 के अंतर्गत आरोप विकसित किया जाता है। अभियोजन के साक्ष्य के लिए 4 नवंबर की तारीख मुकर्रर की जाती है, अदालत की कार्यवाही मुलतवी की जाती है। जो भी जानते हैं न्यायालय को बताइए। हमारी हैसियत से तौर पर होती है तो कम से कम भाग।
कार्यक्रम में विधि विभाग की तरफ से विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। बच्चों के लिए मूड कोर्ट का आयोजन है जिसमें बच्चे हमारे सारे विद्यार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। उसके अलावा एक प्ले लघु नाट्य मंचिका का जो है लघु नाट्य की व्यवस्था की गई है, उसमें बच्चे संविधान के लिए प्ले करेंगे। फिर काव्य पाठ की व्यवस्था है, संविधान पर ही है, विधिक जागरूकता पर ही है। इसके अतिरिक्त बच्चों का अंतर्मन है कि अगर संविधान के बारे में व्यवस्था के बारे में कोई कुछ कहना चाहता है तो वो कहेगा, और इतने कार्यक्रम हमारी तरफ से आयोजित हैं इस समय। आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के अवसर पर ही ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। संविधान ही सर्वोपरि है, उसके बाद कोई धर्म आता है, कोई जाति आती है, कुछ और आता है। संविधान देश के लिए बना है और कंट्री फर्स्ट, देश सबसे पहले आता है, और संविधान की मर्यादा में रह करके ही हमें आचरण करना चाहिए। हमारे सामाजिक आचरण भी संविधान से ही गवर्न होते हैं और उसी रूप में हमको सोचना चाहिए। हमें संविधान के द्वारा जो स्टैंडर्ड बनाया गया है उसी के अनुसार अपने आचरण को करना चाहिए।